हेलो फ्रेंड्स, लॉकडाउन की फर्स्ट वीडियो मैंने छोटे बच्चों की वीडियो जो केजी फर्स्ट या घर में बच्चे किस तरह से रिटर्न वर्क करें इसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी। तो कल मैंने आपको उस वीडियो में ए बी सी डी ई तक बताया था और उसके लिए मैच करना भी बताया था, मैच करने वाली वर्कशीट बताई थी। आज मैं आपको हिंदी की वर्कशीट बताऊँगी। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये जो वर्कशीट है इसमें आपको मैंने कॉलम बना रखे हैं और आपको बता रखा है, एक एक कॉलम में बता रखा कि फर्स्ट कॉलम है उसमें बच्चों को आपको स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, फुल सर्कल इस तरह से बनाना है। नेक्स्ट जो लाइन है उसमें एक एक लाइन में जिस तरह से मैंने कर रखा उस तरह से आप भी करते जाएंगे और उसी तरह से आप बच्चों को सिखाएंगे तो उनकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और उनकी जो सफाई से राइटिंग की जो क्लियरिटी होगी वो क्लियर होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, फिर उसके बाद में आप इस वर्कशीट के अकॉर्डिंग आप कॉपी में क इस तरह से क को लिखेंगे, इस तरह से आप कमल बनाएंगे, देन नीचे लाइन लाइन कर कर और आप उनको लिखना बताएंगे। नेक्स्ट ख इसी तरह से लिखाएंगे, जो मैंने पॉइंट लगा रखा है उसके अकॉर्डिंग आप लाइन लिखाएंगे और राइटिंग का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी भी बार लिखे आप उसको, जब तक वो क्लियर नहीं लिखता है जब तक आप इरेजर से मिटा कर बार बार लिखवाएंगे उसको। नेक्स्ट ग, ग के बाद आप घ, घ के बाद आप अण, इस तरह से आप जिस तरह से मैंने बताया है ना उसी तरह से आप पिक्चर बनाएंगे, देन नीचे उसको लिख के और उसको इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट आगे पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद में आप इसी तरह से मैच कॉलम बनाएंगे और उनको मैच करना बताएंगे और फिर उनसे भी करवाएंगे। नेक्स्ट सो फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। इस तरह से आप घर पर बच्चों को रिटर्न वर्क करवा सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैथ्स की वर्कशीट बताऊंगी। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।